Hey guys, my name is Lalit, welcome back to my channel. So guys, आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं HDR के बारे में. So what is HDR? HDR stands for High Dynamic Range. So High Dynamic Range क्या होती है, जानने से पहले हम जान लेते हैं पिक्चर के अंदर टोन्स क्या होती हैं. तो जैसा कि आप अभी मेरे को देख रहे हैं, इस एक इमेज है ये भी, इसके अंदर भी तीन टोन्स हैं. एक है हाईलाइट, एक है शेडो, एक है मिड टोन. ये इस वीडियो के अंदर हाईलाइट्स हैं, ये मिड टोन्स हैं और ये शेडोज़ हैं. तो इन तीनों से मिलके ये एक पिक्चर या एक वीडियो बन रही है. तो ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं या शेडोज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उस जगह पे हम लोग HDR बनाते हैं ताकि जो हाईलाइट्स हैं वो भी प्रॉपरली दिखें और शेडोज़ जो हैं वो भी प्रॉपरली दिखें और पिक्चर में हर एरिया प्रॉपरली एक्सपोज हो. सो HDR काम कैसे करता है? HDR के अंदर हम लोग तीन पिक्चर क्लिक करते हैं, एक एक स्टॉप से ओवर एक्सपोज, एक एक स्टॉप से अंडर एक्सपोज और एक प्रॉपरली एक्सपोज पिक्चर. उन तीनों को मर्ज करके एक HDR बनता है. अभी ये मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ, आप ये देखो एक बार, ये नॉन HDR पिक्चर है और ये HDR पिक्चर है. ये फ़ोन से है तो ये भी एक नॉन HDR और HDR है. दोनों में आप फ़र्क देख पा रहे हो कितना फ़र्क आ जाता है पिक्चर में और कितने अच्छे से हाईलाइट्स और जो शेडोज़ हैं वो प्रॉपरली मैनेज होकर हमको दिख पाती हैं अच्छे तरीके से. तो हम बात करते हैं कैमरे से HDR को कैसे बनाएंगे. ज़रूरी नहीं है कि हम HDR में तीन फोटो खींचे, हम HDR में पाँच पिक्चर क्लिक कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि हमें कितना टाइम है और कैसे फीचर फोटो क्लिक करनी है और कितना हम पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग तीन या पांच फोटो क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे तीन फोटो क्लिक करने वाला हूँ. तो ये मैंने एक फ़ोटो खींची है अंडर एक्सपोज, ये एक ओवर एक्सपोज और ये प्रॉपर एक्सपोज. इन तीनों को मर्ज करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है. तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ फोटोशॉप पर, इन तीनों को हम लोग मर्ज करेंगे. तो गाइस, ये हम आ गए अपने फोटोशॉप स्क्रीन पर और फोटोशॉप खोल के हमें फाइल पर जाना है, ऑटोमेट पर जाना है, यहाँ पर मस्ट टू HDR प्रो करना है और हमें जो फाइल्स हैं सारी तीनों फाइल्स जो है हमारी वो एक फोल्डर में रख लेनी है या फिर उन्हें सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे, मैंने एक फोल्डर बना दी हुई है, तीनों को सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा. ठीक है, ओपन हो रखें, यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा. अब ये ऑटोमेटिकली HDR बनाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना. ये तीनों फोटो को साथ में रखेगा, उनको मर्ज करेगा, उनको ट्रांसफॉर्म करना होगा थोड़ा सा तो वो करेगा और HDR हमें खुद से बना के देगा और हमें एक HDR के लिए ऑप्शन भी देगा जहाँ पे हम थोड़ा सा इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं. तो इसने ये हमको बना के दे दिया HDR. अब देखो यहाँ पे दे रहा है एज एंड ग्लो, टोन एंड डिटेल्स और शेडो, हाईलाइट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन और कर्व्स भी दे रहा है. तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना एडिट करना है. ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, मेरे को खाली हाईलाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो हाईलाइट थोड़ी कम कर दूंगा और देन ओके. तो यहाँ पे इसने हमको HDR बना के दे दिया है. सो अगर हम कंपेयर करें इसको नॉर्मल पिक्चर से तो एक बार इम्पोर्ट करते हैं जो अपनी मिड वाली फ़ोटो है. सो हम कंपेयर करें इसको नॉर्मल पिक्चर से, सो ये HDR है और ये एक नॉर्मल पिक्चर है, नॉर्मल एक्सपोजर पे खींची गई है. इसमें हाईलाइट जो है पूरी ख़त्म हो गई है, सामने जो टॉम है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन HDR के अंदर हम टॉप भी देख पा रहे हैं और जो शेडोज़ है वो भी अच्छे से दिख रही है और हाईलाइट भी प्रॉपरली दिख रही है और इवन हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं. जब हम उसको मर्ज कर रहे थे तो एक ऑप्शन मिला था वहाँ पे हाईलाइट सेट करने का, तो उसे बहुत ज़्यादा है बहुत कम कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग. तो गाइस, आई होप आप सीख गए होंगे कि फोटोशॉप से HDR कैसे बनाते हैं. तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम लोगों ने कहाँ पे HDR को यूज़ नहीं करना. जहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट मोशन में हो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तीन पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, सब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो वो तीन अलग अलग जगह दिखाई देगा पिक्चर में, पिक्चर हमारी ख़राब हो जाएगी. और सेकेंड चीज़, कभी भी बिना ट्राईपॉड के HDR मत बनाना, क्योंकि अगर आपका कैमरा हिलेगा तो फोटोज़ जो हैं वो अलग अलग आएंगी, तो हो सकता है HDR बनने में प्रॉब्लम हो या फिर एक अच्छा HDR ना बन पाए. सो गाइस, आई होप आपको सीखियो इस वीडियो से. अगर कुछ सीखियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना. मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.